ये है हमारे सामने टाटा जी 2515 टर्बो। तो आज इस वीडियो में हम इस गाड़ी के बिजनेस मॉडल की बात करेंगे, मतलब ये गाड़ी कहाँ चलती है, कितना पैसा कमाती है पर मंथ, इसमें क्या खर्चा आता है पेपर्स वगैरह में। तो आप पहले गाड़ी देख लीजिए, इसका पूरा मैं आपको एक्सटीरियर का वॉक अराउंड करवा देता हूँ, फिर आप इसके बिजनेस की बात करेंगे और उसके बाद पेपर्स की भी बात करेंगे कि इसमें कितना खर्चा आ रहा है, कौन सा मॉडल गाड़ी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको पूरा वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। ये फ्रंट लुक देख लीजिए, ये देखिए साइड का लुक, 10 टायर गाड़ी है, 2515 टर्बो। इसमें आपको टर्बो का इंजन देखने मिलेगा ये गाड़ी में। ये ओवरलोड के काम की, मतलब ओवरलोड में इंजन उतना सक्सेसफुल है नहीं, तो ये ऑलमोस्ट ये 20 टन का पेलोड पास कर दिया, तो ये 20 टन में बढ़िया चलती है। ये साइड, ये बैक लुक हो गया, ये कंडक्टर साइड का लुक हो गया। तो चलिए इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं पेपर पेन लेके। टाटा की गाड़ी है, 2007 मॉडल है, कि मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। तो इसके बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, चलिए। तो इसका बिजनेस मॉडल देखते हैं, ये 20 टन में चलती है गाड़ी, यवतमाल टू नागपुर चलती है ना, यवतमाल टू नागपुर चलती है और वापस वहीं से नागपुर से यवतमाल आएगी। अब ये टोटल लीड पड़ती है आपको अप डाउन की 300 किलोमीटर की लीड पड़ती है गाड़ी की। आपको इसमें जाने के 2 टोल लगेंगे, आने के 2 टोल लगेंगे, 500-500 रुपए के टोल, मतलब एक 450 का, एक 475 का, तो मोटा माटी 500-500 के पकड़ो, तो 1000 जाना 1000 आना, 2000 के टोल लग गए। 300 किलोमीटर में आपको 100 लीटर डीजल लगेगा, 3.5 का एवरेज निकालती है गाड़ी, 100 लीटर डीजल लगेगा, 10000 का मोटा माटी डीजल पकड़ लिए। अब ये यवतमाल से नागपुर जाएगी दाल लेके, मतलब दाल लेके जाती है 20 टन, जो उसका भाड़ा बनता है 700 रुपये पर टन का भाड़ा रहता है उसका, तो 700 × 20 14000 का भाड़ा हो गया इसका जाने का। इसमें आपको कोई काटा नहीं लगता है, इसमें आपको सिर्फ लोडिंग देना है 60 रुपये से, 1200 रुपये आपके लोडिंग के चले गए, और कमीशन देना है ट्रांसपोर्ट का 300 रुपये, तो 1500 रुपये इसका ये खर्चा आ गया बस। बाकी इसमें आपको कोई खर्चा नहीं देना है, ना काटा देना है ना कुछ देना है इसमें। फिर उधर से लाएगी गाड़ी, नागपुर से यवतमाल वापस लाएगी आलू प्याज जो होता है, 15-17 टन माल होता है, उसका भी भाड़ा 700 रुपये का है बस। उसमें आपको ना लोडिंग लगेगी, ना कमीशन लगेगा, ना काटा लगेगा, मतलब उसमें कोई खर्चा नहीं है, कोरा कोरा साफ ही भाड़ा है। 700 × 15 टन करोगे आप तो 10500 का भाड़ा बनता आने का, तो टोटल आपका अप डाउन का भाड़ा बना है 24500 का, और आपके टोटल खर्चे जो आए, एक्सपेंस आया डीजल टोल कमीशन लोडिंग वगैरह सारा कुछ पकड़ के 14000 रुपये। वो भी बता देता हूँ कैसे, क्योंकि 10000 का डीजल हो गया आपका, 2000 टोल के हो गए आपके 12000, फिर यहाँ 1200 रुपये का आपका लोडिंग हो गया, तो ये आपका 13200, 300 रुपये आपके कमीशन के हो गए 13500, और इधर मैंने आपको टोटल 14000 का खर्चा पकड़ा हूँ, मतलब 500 रुपये और निकाल दो खर्चे पानी के, रोड का खर्चा, तो आपका 14000 खर्चा, 24500 आपका टोटल आने जाने का भाड़ा, तो आपकी टोटल सेविंग की रिपोर्ट बनी है 10500 की, 10500 की आपकी सेविंग की रिपोर्ट बनी है। थोड़ी कभी बढ़ भी जाती है, 17 टन हो गया वापसी में तो ये आपका 11000 11500 भी चले जाता है, 12000 भी चले जाता है, तो मैं इसको 10500 पकड़ के चला हूँ एवरेज, तो आपकी एक महीने में 4 ट्रिप तो लगना कन्फर्म है, तो कितना हो गया आपका, मतलब 4 ट्रिप का हो गया आपका 10500 × 4, तो ये 40000-42000 रुपये का धंधा हो गया आपका ये गाड़ी का, सूखा सूखा, मतलब इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा रोड है, 4 ट्रिप आपकी लगेगी हर हफ्ते की एक ट्रिप, तो 42000 रुपये आपको ये गाड़ी छोड़ के दे रही है। 2007 का मॉडल, 2007 मॉडल गाड़ी है ये, 20 टन में चल रही है आराम से, एवरेज भी बढ़िया निकालती है, तो मैंने आपको और थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा पकड़ के बताया हूँ, वैसे ये 45-50000 रुपये आराम से बचा लेती है, मतलब महीने का। फिर आप इसके पेपर्स की अपन इसकी बात करेंगे, तो इसके साल का पेपर्स की बात करेंगे, तो ये 2007 मॉडल है ना, 2007 मॉडल, तो इसको ये 15 साल के ऊपर हो चुके हैं इसको, मतलब ये 15 साल के ऊपर हो चुकी है गाड़ी, तो इसमें पासिंग
जो फिटनेस पासिंग हो रही है गाड़ी में, वो तो 16,000 की इसकी रिसिट फट रही है, जो रिसिट निकल रही है RTO की। फिर आज आप इसमें आपको मतलब ग्रीन टैक्स हो गया, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, फिर इसके बाद गवर्नर हो गया आपको, ये मैं यवतमाल की बात कर रहा हूँ, गवर्नर के बाद फिर आपको रेडियम हो गया, तो ये सब सारा चीज़ एजेंट का खर्चा हो गया आपका, ये सारा चीज़ पकड़ के आपको टोटल फिटनेस में 22 से 25 हज़ार रुपये लग रहे हैं फिटनेस में। और इसका इंश्योरेंस हो रहा है करीब आपका 42,000 का साल का, इसमें 4 टैक्स, 6,200 के 4 टैक्स, तो ये आपका ऑलमोस्ट हो गया है 25,000 रुपये टैक्स के हो गए। फिर आपका ये मतलब टोटल पेपर का खर्चा, टोटल खर्चा पकड़ोगे आप गाड़ी का तो 25,000 प्लस 42,000 प्लस 25,000, मतलब ये 25-25, ये पूरा पूरा मतलब 90,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपको ये गाड़ी में साल का खर्चा लग रहा है, ये गाड़ी का पेपर में, क्योंकि इसकी पासिंग बढ़ गई, 15 साल की ऊपर हो गई है, इसलिए इसकी पासिंग का पैसा बढ़ा दिया RTO ने। और ये देखा जाए तो 1 साल में इसकी रिपोर्ट बन रही है 40,000 से पकड़ो आप, 40 × 12, मतलब ये मोटा माटी ये तो 40,000, 8,80,000 की रिपोर्ट बन रही है इसकी 1 साल की, मतलब 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपके पेपर में चले गए। टायर तो आपने अगर एक बार डाले हो तो आपको 2-3 साल तो टायर नहीं देखना है, मतलब 4 लाख रुपए आपको गाड़ी 1 साल का सूखा छोड़ के दे रही है। तो इसका ये है सिंपल बिजनेस मॉडल, मतलब सीधा सीधा आप देखिए, गाड़ी यवतमाल से नागपुर चलती है, 1 महीने में 4 चक्कर लगा रही है, महीने की रिपोर्ट 42,000 की 50,000 भी चले जाती है, पेपर का खर्चा इसमें आपको 1 लाख के करीब, रिपोर्ट बन रही है महीने की 5 साल की 5 लाख की, 1 लाख आप पेपर के निकाल दो तो आपको सूखा सूखा 4 लाख रुपए की गाड़ी छोड़ के दे रही है। मतलब ऐसी वीडियो के लिए आप ठाकुर ट्रक वाले को सब्सक्राइब करिए, हम और भी ऐसी बिजनेस मॉडल समझेंगे गाड़ियों के, कौन सी गाड़ी कौन से कहाँ कहाँ चलती है, कितना पैसा कमा रही है, कौन से लाइन में क्या माल लेके जा रही है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।